वेल सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है बताइए प्लीज सॉरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग देखो इवनिंग क्लास की कितनी आदत पड़ गई है मुझे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग क्लासेस इतनी कंटिन्यूस चालू है तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो है यहाँ स्टार्ट हो जाता है आवाज सभी को क्लियर आ रही है ये सर नो जस्ट अ मिनट बेटा चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू सो स्टार्ट करें सो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो मुझे मॉर्निंग में देख रहे हैं आफ्टरनून में देख रहे हैं या इवनिंग में देख रहे हैं मैं आपके साथ हूं ऑलवेज एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा चलिए दोस्तों हम आज का जीएसटी का ये जो सेशन है ये सेशन हमारा ऑन रजिस्ट्रेशन है और ये सेशन जो रहेगा हमारा जीएसटी का लास्ट सेशन रहेगा ठीक है हमारे रिवीजन का क्योंकि हमारा एक ही चैप्टर बचा था और वो चैप्टर था रजिस्ट्रेशन ठीक है यस और नो वेल विल सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो आज चालू करते हैं हमारा जीएसटी एस टी का आ, जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है रजिस्ट्रेशन इस टॉपिक का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे आई होप चार्ट आपके पास रेडी होगा तो हम रजिस्ट्रेशन चार्ट ये जो है इसका पूरा डिस्कशन करेंगे मैंने लगभग सब कुछ ये चार्ट में कवर करने की कोशिश की है और जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि बस ये चार्ट और क्वेश्चनर इतना पढ़ो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा डन तो आर यू रेडी यस और नो जो भी प्रेजेंट है फटाफट अपनी अटेंडेंस लगाओ जो भी प्रेजेंट है फटाफट अपनी अटेंडेंस लगाओ चलो फटाफट ओके रजिस्ट्रेशन इन जी एस टी मेनली जो आपको सेक्शन लर्न करना है ये तीन सेक्शन लर्न कर लेना है और वो तीन सेक्शन है सेक्शन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप ये सेक्शन लर्न करें और जब भी हम केस स्टडी आपका पूछेंगे तो आप केस स्टडी में ओके okay, ये सेक्शंस कोट करें ठीक है तो so, अगर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ये केस स्टडी पे ज़्यादा पूछे हैं उसके बाद में यहाँ सेक्शन ट्वेंटी फाइव का ये वाला पार्ट जो है ये वाले पार्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन थे ये पार्ट पे ओके जय तक ट्वेंटी फाइव का अदर ऑथेंटिकेशन एक्स्ट्रा बहुत रेयरली वो क्वेश्चन ने पूछा है उन्होंने और सी और एनआरटी एक उनका एक फेवरेट एरिया है जो क्वेश्चन पूछने का सी और एनआरटी जो सेक्शन ट्वेंटी में ओके okay, यहाँ सेक्शन ट्वेंटी में कवर आ, कवर किया है उसके बाद में यह एक जनरल प्रोसीजर मैंने दी है और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है चलो पढ़ाते पढ़ाते तो मैं यहाँ पे आपको ओके okay, सब बता दूंगा कि आपको एग्जाम के हिसाब से क्या क्या बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है और कौन से एरिया में आपको अपने क्वेश्चंस की तैयारी करना है सो so, स्टार्ट करें आर यू रेडी हाउ इज द जोश बोलिए हाई सर चलिए शुरू करते हैं पहला सेक्शन ट्वेंटी टू कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम ध्यान देते हैं भाई रजिस्ट्रेशन किसने लग, देना लेना चाहिए every supplier liable to register in the state or union territory registration यहाँ पे जहाँ तक लेगा तो हर supplier जो supply करेगा tax लेगा और reverse charge में reverse charge में भी registration है लेकिन reverse charge में registration section 24 में है okay ये कहता है supplier और registration state wise होगा याने registration state में होता है और उसका पूरा mechanism state government करती है

और वो स्टिकी नोट्स में प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन लिख लेना क्योंकि ये चैप्टर में प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो कुछ स्टिकी नोट्स लगा के प्लेस ऑफ बिजनेस का डेफिनेशन क्या है या जब कोई भी चैप्टर में अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो स्टिकी नोट्स लगा के आप यहाँ पे लिख दो दूसरा रजिस्ट्रेशन जनरली ध्यान सुनना रजिस्ट्रेशन जनरली अगर आपका एग्रीगेटन और एक्सीड्स ट्वेंटी लैक्स होगा तो करना पड़ेगा ट्वेंटी लैक्स तक आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है वॉलेंटरी आपको लेना है तो ले सकते हो यानी अगर आपका एग्रीगेट टर्न और पांच लाख है दस लाख है तो आप वॉलेंटरीली रजिस्ट्रेशन ले सकते हो लेकिन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है इसमें ओके okay, दो तीन प्रोविजो भी दी है अगर प्रोविजो हम एक साथ पढ़े तो वो प्रोविजो का कंक्लूजन क्या होता है एक समरी टेबल में मैंने यहाँ पे फटाफट आपको बना के दे दिया है नाउ इवन दो लिमिट 20 लाख रुपए होगी लेकिन प्रोविजो में कुछ एक्सेप्शन है और वो क्या कहते हैं और बहुत अच्छा टेबल मैंने यहां बना के दिया आपको और ये क्या मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा अगर ये चार स्टेट हो गए सुनिए ध्यान से हाँ ये टेबल लर्न करके जाना ये टेबल ओके वेरी इंपॉर्टेंट भाई लर्न करके जाने का है कुछ भी कर लो ओके मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा होगा और वो सप्लाई ऑफ गुड्स में एंगेज हो या सप्लाई ऑफ सर्विस में एंगेज हो या बोथ हो दोनों के लिए दस लाख तक ही थ्रेशोल्ड लिमिट मिलेगी विदाउट रजिस्ट्रेशन उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अब ये चार नाग देखा मुझे या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो मुझे मनी वाला नाग दिखा मुझे मतलब मिजोरम त्री मतलब त्रिपुरा नाग मतलब नागालैंड ओके नागपुर मत कर देना नागालैंड और मनी मतलब मणिपुर ओके okay, तो ट्री मनी वाला जो नाग है ओके okay, यहाँ इसको हमने दस रुपए मंदिर में चढ़ाए ओके okay, तो यहाँ पे द, वो गुड्स हो या सर्विस हो ओके okay, आपने दस रुपए का दूध चढ़ाया ओके okay, दस रुपए का दूध चढ़ाया गुड्स चढ़ाओ या सर्विस हो आपने अपनी सर्विस दी दस लाख की लिमिट मिलेगी उसके बाद में अदर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट ये जो आ, बाकी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है पौंडीचरी हाँ हाँ दो स्टेट ऐसे पांडीचेरी और तेलंगाना ये नॉर्मल स्टेट है पौंडीचेरी और तेलंगाना नॉर्मल स्टेट है और उत्तराखंड मेघालय अरुणाचल प्रदेश सिक्किम इसका अगर कोई मेमोरी टेक्निक बना सकते हो तो बना लेना ओके तो यहां पर इनको अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो भी बीस लाख और सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा तो भी 20 लाख तो 20 लाख के ऊपर लिमिट नहीं है ये स्टेट में और बाकी सारे स्टेट इंक्लूसिव ऑफ तीन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट आसाम जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ओके जैसे आपको ये है कंपोजिशन लेवी में भी तीन स्टेट वही है आसाम जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश ओके तो ये जो है जहां तक देखा जाए तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात ये है कि यहां पे एक्सक्लूसिवली गुड्स में होगे सुनिएगा एक्सक्लूसिवली गुड्स में है तो चालीस लाख का लिमिट है फोर्टी लैक्स का थ्रेशोल्ड है और अगर वो सर्विस में होगा या गुड्स प्लस सर्विस में होगा तो बीस लाख क्योंकि आपको याद होगा तो चालीस लाख का थ्रेशोल्ड कब मिलता है अगर वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में होगा तो चालीस लाख का थ्रेशोल्ड मिलता है नो डाउट चालीस लाख की थ्रेशोल्ड की कुछ कंडीशन है और वो कंडीशन हम नीचे देखेंगे मैंने एरो करके बताया है लेकिन यहाँ पे तो चार स्टेट दस ही है ये स्टेट कुछ भी होने दो बीस ही है लेकिन बाकी सारे स्टेट ख्याल रखना पुडुचेरी और तेलंगाना बीसी है और उत्तराखंड मेघालय अरुणाचल प्रदेश सिक्किम बीसी है और ये बाकी सारे स्टेट की अगर हम बात करें तो बाकी सारे स्टेट में इंक्लूडिंग तीन ओके स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट आसाम जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश थ्रेशोल्ड अगर एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो चालीस अगर ओके okay, यहां पे सर्विस होगी तो ट्वेंटी और गुड्स प्लस सर्विस होगी तो भी ट्वेंटी ओके okay, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा समझा होगा तो जोर से बोलिए यस सर और जो भी यहां पे क्लास अटेंड कर रहे हैं हैं अपनी अटेंडेंस अटेंडेंस लगाओ अटेंडन्स कैसे लगाते लाइक करके मुझे आपकी अटेंडेंस दिखनी चाहिए और जो बाद में अटेंड करेंगे वो भी अपनी अटेंडेंस लगाएंगे बेटा मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है चलिए तो यहाँ पे प्रोविजो एक प्रोविजो क्या है अगर कोई चालीस लाख की लिमिट ले रहा है तो 40 लाख की कुछ कंडीशन है पहला ओके इन फॉलोइंग केसेस 40 लाख लिमिट नॉट अवेलेबल ओनली 10 और 20 लाख अवेलेबल कौन कौन सी ओके कंपल्सरी रिक्वायर टू टेक अ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ठीक है अगर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में हो तो फिर तो आपको दस बीस का भी नहीं मिलता है ओके okay, uh, ये केस में वो ठीक है मैंने अलग करना चाहिए था पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में हो तो फिर दस बीस भी नहीं मिलता है वो तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना ही पड़ता है दूसरा पर्सन हु टेक टू है वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ओके जिसने वॉल्ट्री रजिस्ट्रेशन लिया फिर वो चालीस लाख का तो सवाल ही नहीं आता है हाँ यहां पे एक काम करो थोड़ा करेक्शन अगर ऐसा कर दिया तो सप्लाई आइसक्रीम पान मसाला ऑल टोबैको टोबैको प्रोडक्ट फ्लाई ब्रिक्स वगैरह ये जो है आपने कंपोजिशन स्कीम में है तो यहां लिखो आप ओनली ओनली ट्वेंटी और टेन लैक्स लिमिट अवेलेबल जो भी आपके स्टेट को लिमिट होगी ओके okay, यानी ये जो गुड्स है आइसक्रीम है पान मसाला है टोबैको टोबैको प्रोडक्ट्स है फ्लाई फ्लाइस ब्रिक्स और ब्रिक्स वगैरह जो हमने कंपोजिशन स्कीम में भी देखा था तो इनको सिर्फ दस लाख या बीस लाख की लिमिट अवेलेबल है ओके पहले दो सिचुएशन में जहां तक बात करें तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तो फिर तो यार वहां करना ही पड़ता है दस बीस की भी नहीं लगती है और वॉल्ट्री रजिस्ट्रेशन तो आपने खुद ने करवा लिया ओके और बाकी ये जो गुड्स है ये गुड्स को 40 लाख इवन दो ये एक्सक्लूसिवली गुड्स है पान मसाला एक्सक्लूसिवली गुड्स है लेकिन यहां चालीस लाख के लिमिट नहीं मिलेगी या 10 से 20 लाख की लिमिट मिलेगी उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है और वो कौन सा पर्सन डीम एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स इवन इफ ही हैज रिसीव्ड इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट अगर आपको याद होगा तो लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट कंपोजिशन लेवी में मैंने आपको ये पढ़ाता है कंपोजिशन लेवी में इंटरेस्ट एक्सक्लूड होता है ओके okay, पर यहां प्रोविजो क्या कहती है ओके ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात फॉर कैलकुलशन ऑफ थ्रेशोल्ड ओके फॉर कैलकुलेशन ऑफ थ्रेश को एड करना पड़ेगा आपको लिखना है तो साइड में लिख देना फॉर कैलकुलेशन ऑफ थ्रेश इंटरेस्ट को एड करना पड़ेगा लेकिन लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई गुड्स और सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इंटरेस्ट है सर्विस है थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लो आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई गुड्स और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और इंटरेस्ट है सर्विस है कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके गुड्स के साथ छोटी सी भी सर्विस हो तो आपको फिर चालीस लाख का लिमिट नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं नहीं अगर ओनली इंटरेस्ट मिल रहा होगा सुनो ध्यान से ओनली इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो उसको इग्नोर किया जाएगा यह माना जाएगा डीम टू बी मतलब यह माना जाएगा कि आप गुड्स में इन्वॉल्व हो अरे सर इंटरेस्ट सर्विस है इवन दो इंटरेस्ट सर्विस है लेकिन ओनली इंटरेस्ट मिल रहा होगा लोन का तो ये माना जाएगा कि आप गुड्स में इन्वॉल्व हो आपकी चालीस लाख की लिमिट अफेक्ट नहीं होगी मतलब आप जो है बीस लाख नहीं आपको कितना लिमिट मिलेगा चालीस लाख का लिमिट मिलेगा लेकिन ख्याल रहे थ्रेशल की लिमिट जब कैलकुलेट होगी यानी हम सिर्फ हम सिर्फ चालीस जिसको चालीस लाख का थ्रेशोल्ड लेना है उसके लिए इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो भी उसको सर्विस नहीं मानेंगे तो सर्विस नहीं मानेंगे पर पर आपके टोटल कैलकुलेशन में इंटरेस्ट ऐड जरूर होगा तौर पे एग्जांपल की तौर पे आपका सप्लाई ऑफ गुड्स है थर्टी एट सुनिए सप्लाई ऑफ गुड्स है थर्टी एट और इंटरेस्ट होगा एक लाख यानी थर्टी नाइन होगा पहला सवाल सर इंटरेस्ट मिल रहा है तो तो क्या अब मुझे 40 40 40 लाख 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 का 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 लिमिट लिमिट मिलेगा 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 ओनली इंटरेस्ट मिल रहा है तो 40 का लेकिन आपका एग्रीगेट टर्न ओवर सुनिए ध्यान से आपका एग्रीगेट टर्न ऑवर थर्टी लाख कहा जाएगा सर एग्रीगेट टर्न ओवर क्या अब यार बच्चों ऐसी बात मत करो मैंने कंपोजिशन लेवी में एग्रीगेट टर्न का डेफिनेशन पूरा मैंने यहां बताया था ऑल टैक्सेबल सप्लाई सुनिए ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सेप्टिवर चार्ज एग्जाम सप्लाई के तीनों रेट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड किया टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड किया जाएगा वक्त okay, आप तो अगर आपका पेट्रोल का टर्न ओवर होगा एल्कोहल का टर्न होगा या फिर डीजल का टर्न होगा तो वो भी आपको एड करना पड़ेगा क्योंकि एग्रीगेट टर्न ओवर के डेफिनेशन में वो भी आता है एक्सपोर्ट सप्लाई होगा या इंटरेस्टेड सप्लाई होगा तो वो भी आपको एड करना पड़ेगा और और वो सब कुछ ऐड करके देखना पड़ेगा कि आपकी ये लिमिट क्रॉस हो रही है नहीं हो रही है तो ख्याल रहे इंटरेस्ट का ये पॉइंट आपके ख्याल में आना चाहिए कि भाई चालीस लाख का मुझे थ्रेश लेना है तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिल भी रहा होगा तो भी गवर्नमेंट अपनी आंखें बंद करेंगी गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं इंटरेस्ट चलता है लेकिन आपके टोटल एग्रीगेट टर्न और के कैलकुलेशन में इंटरेस्ट को ऐड किया जाएगा ओके समझा होगा तो बोलिए यस सर समझ में आ गया मज़ा आ गया एम जेड एनजेड टाइप कीजिए मतलब मज़ा आ गया ओके और अपनी फटाफट -फड़ अटेंडेंस लगाइए और जो बाद में मुझे देख रहे हैं अपनी अटेंडेंस जरूर लगाना अटेंडेंस लगाना मत भूलना ओके तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने जितने भी लोगों ने अटेंडेंस लगाई मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया है ओके तो चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Point, okay. uh, जैसे आपको एक बात बताता हूं uh, हमने देखा था हमने यहाँ पे क्या देखा था हमने यहाँ पे यह देखा था अगर आपको पैरा थ्री याद होगा पैरा थ्री ऑफ द शेड्यूल जब भी कोई सप्लाई प्रिंसिपल टू एजेंट होता है प्रिंसिपल टू एजेंट होगा तो वो स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा ये किसके बेस पर था ये इसके बेस पर था कि आगे एजेंट इनवॉइस किसका बना रहा है अगर आगे एजेंट इनवॉइस खुद का बना रहा है तो यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई बोला जाएगा और आगे एजेंट जो है सुनिए आगे एजेंट जो है इनवॉइस खुद का नहीं बना रहा है प्रिंसिपल का बना रहा है तो स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई नहीं बोला जाएगा ओके okay, तो उसमें मैंने ये कहा था कि जब एजेंट खुद का इनवॉइस बनाता है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है ध्यान से सुनो एजेंट खुद का इन्वॉइस बनाता है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है चलो मैं इसको थोड़ा आपको एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूं मेरे पास अगर नोट्स होगी दो मिनट में पुरानी नोट देख लेता हूं अगर होगी तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं रजिस्ट्रेशन चैप्टर रजिस्ट्रेशन चलो मिल गई कोई प्रॉब्लम नहीं आपका लग समझो मिल गई हमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पर समझ लो वो पॉइंट का क्या कहना है अगर एजेंट इश्यूइंग ओन इनवॉइस तो फिर उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 24 में उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है लेकिन एजेंट नॉट इश्यूइंग ओन इनवॉइस याद करो अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो मैंने ये डायग्राम दिया था रजिस्ट्रेशन में अगर एजेंट अपना इनवॉइस इश्यू नहीं कर रहा होगा तो फिर वो केस में यहां पर ध्यान से सुनना वो केस में के एग्जाम्पल ये प्रिंसिपल है स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है और पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट एजेंट है एजेंट का ओन खुद का टर्न है पांच लाख और प्रिंसिपल के बिहाब पे बेच रहा है और दस लाख केस वन और यहां पे खुद का टर्न है पांच लाख और प्रिंसिपल के बिहार पे बेच रहा है एटीन लैक्स का अब मेरा पॉइंट सुनना जो भी गुड्स उसने प्रिंसिपल के बिहार पे बेचा उसका टैक्स प्रिंसिपल देगा नो no डाउट उसका टैक्स प्रिंसिपल देगा लेकिन लेकिन जब हम सेक्शन 22 में आई रिपीट जब हम सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड निकालेंगे तो एजेंट के कैलकुलेशन करते वक्त उसने जो प्रिंसिपल के पे सेल किया, वो भी ऐड करेंगे ओके okay, कैलकुलेट करते वक्त उसने जो प्रिंसिपल के बिहार पे सेल किया वो भी ऐड करेंगे मतलब एजेंट का टर्न और कितना हुआ पंद्रह लाख फीस एक बार इवन दो ऐसा एजेंट जो इन्वॉइस प्रिंसिपल के नाम का दे रहा है उसका टैक्स प्रिंसिपल देगा लेकिन गवर्नमेंट बड़ी चालाक है टैक्स दे रहा होगा प्रिंसिपल लेकिन भाई एजेंट ने ओके okay, जो भी प्रिंसिपल के बिहार पे सेल किया होगा वो उसके एग्रीगेट टर्न में इंक्लूड किया जाएगा मतलब ये ऐड करके देखा जाएगा कि उसने रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मतलब फाइव प्लस टेन यानी फिफ्टीन तो ओके बीस लाख के नीचे नहीं लो अगर फाइव प्लस एटीन यानी ट्वेंटी थ्री बीस लाख के ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन ले लो अगर वो चालीस लाख की लिमिट होगी एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो चालीस लाख की लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा यानी टैक्स तो देगा प्रिंसिपल लेकिन एग्रीगेट टर्न ओवर किसमें होगा एजेंट में और एजेंट अगर खुद का इन्वाइस दे रहा है तो वो केस में तो वीर भाई यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है तो वो केस में तो ओके जहां तक देखा जाए तो सेक्शन 24 में आ जाता है आई होप आपको समझा होगा समझा होगा तो एजेंट का ए टाइप कीजिएगा और आई नीड इंटरेक्टिव सेशन बेटा नहीं तो मज़ा कैसे आएगा मैं अकेला बड़बड़ बड़ कर रहा हूँ आप सुन रहे हो मज़ा कैसे आएगा ओके मुझे समझेगा कि मैं जो स्पीड में आपको पढ़ा रहा हूँ या जो कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर हो जाए ओके ये तभी समझेगा जब आप रिप्लाई करोगे ओके तो ये एजेंट वाला क्लॉज समझ में आया होगा तो ए ए टाइप कीजिए और नहीं समझ में आएगा तो अभी इतना ही टाइम है हमारे पास इससे ज़्यादा टाइम तो है नहीं आपके बुक्स में मैंने दिया हुआ है तो वो आपने पढ़ लेना है ओके चलिए उसके बाद में सप्लाई मेड बाय जॉब वर्कर ऑन द प्रिंसिपल नॉट टू बी एडेड इन एग्रीगेट ऑफ जॉब वर्कर ओके okay, क्या होगा कि बहुत सी बार जॉब वर्कर हाँ अगर जॉब ध्यान से सुनना ओके okay, जॉब वर्कर होगा और एजेंट होगा दोनों में फर्क है ओके okay, बस आप इतना याद रखो एजेंट के टर्न में एड होता है और जॉब वर्क के टर्न में एड नहीं होता है मतलब समझ लो कि मुझे गुड्स दिया गया मैं जॉब वर्क करूँ उसके ऊपर जॉब वर्क कर रहा हूँ और प्रिंसिपल के बिहार पे डिलीवर कर रहा हूँ तो इसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है ओके okay, वन कि वो टर्न और जॉब वर्क का नहीं माना जाएगा और जॉब वर्क की इसमें ऐड नहीं होगा ठीक है और उसके बाद में लास्ट पॉइंट सेक्शन 22 का अगर हम बात करें तो वेन बिजनेस करियर बाय अ टेक्सेबल पर्सन ट्रांसफर वेदर द अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज देन ट्रांसफर ही और सक्सेस न्यू रजिस्ट्रेशन ओके अगर लास्ट पॉइंट यहाँ पे सेक्शन ट्वेंटी टू में यह है कि अगर कोई रीजन की वजह से आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया किसी और को या आपके सक्सेसर uh, को ट्रांसफर होगा तो पैन बदल जाता है और पैन बदल जाता है तो उसको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है इसलिए इस तरह से सेक्शन 22 के मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स कवर करने की एक बार सारे पॉइंट्स देख लेते हैं ओके एग्रीगेट और लिमिट जनरल लिमिट 20 लाख है चार स्टेट में कुछ भी हो दस लाख है ओके ये स्टेट में कुछ भी हो बीस लाख है लेकिन बाकी सारे स्टेट में इंक्लूडिंग दिस थ्री स्टेट ओके एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो चालीस लाख है और गुड्स प्लस सर्विस होगी ओके तो फिर बीस लाख ही रहेगा जनरल लिमिट ओके ये चालीस लाख की लिमिट अगर आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में होंगे तो अपलीकेबल नहीं वहां तो दस बीस भी अपलीकेबल नहीं है और वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हो तो नहीं हाँ कुछ गुड्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है कुछ गुड्स के लिए ओके वहां चालीस का नहीं मिलता है बीस का या अगर आप चार स्टेट में हो तो दस का ही मिलता है जैसे आइसक्रीम पान मसाला यहां चालीस का लिमिट नहीं मिलेगा इवन दो यू एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स उसके बाद में यहाँ पे ओके okay, इंटरेस्ट जो है इवन दो इंटरेस्ट मिल रहा होगा तभी तो आपकी 40 लाख की थ्रेशोल्ड नहीं जाएगी इवन दो वो सर्विस है उसके बाद में एजेंट एजेंट के केस में प्रिंसिपल की भी आप पे जो भी टर्न ओवर किया वो ऐड किया जाएगा जॉब वर्क के केस में ऐड नहीं किया जाएगा और जहां तक लास्ट है कि अगर लीगल बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे सामने वाले बंदे को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ओके समझा क्या बोलिए यस सर ये हुआ सेक्शन ट्वेंटी हमारा खत्म सेक्शन 22 हमारा हुआ कदम अब आइए सेक्शन 23 में पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई ओके okay, ये तो आप रेगुलर बुक से भी पढ़ के जाना है इसके ऊपर इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं और मैं आपको कह दू रिटर्न हुआ रजिस्ट्रेशन हुआ मैं इतने अच्छे से रिविजन ले रहा हूं तो मार्क्स नहीं छोड़ने का वॉस ओके मार्क्स तो लेके रहने का ओके चलिए सेक्शन ट्वेंटी थ्री नॉट लेवल फॉर रजिस्ट्रेशन कुछ केसेस ऐसी है कि क्यों ना आपका टर्न ओवर बीस लाख के ऊपर चले जाए चालीस लाख के ऊपर चले जाए करोड़ों में चले जाए दो 300 तीन सौ करोड़ हो जाए लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि ना मुन्ना ना रजिस्ट्रेशन करना मत ओके okay, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं तो आप टैक्सेबल पर्सन नहीं अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं तो जीएसटी की देन जीएसटी देने की कोई जरूरत भी नहीं है ओके okay, तो यो ओके okay, जीएसटी देने की आपको कोई जरूरत नहीं है तो चलिए दोस्तों अब यहां पे देखते हैं कि कौन कौन सी केसेस ऐसी है कि जहां ओके रजिस्ट्रेशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ओके okay, लर्न कर लेना पहला केस है ओके यू आर एंगेज एक्सक्लूसिवली भाई ये एक्सक्लूसिवली वर्ड ध्यान रखना एक्सक्लूसिवली सप्लाई सप्लाई नॉट लाइबल टू टैक्स और वोली एक्ज फ्रॉम टैक्स नॉट लाइबल टू टैक्स मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई और वोली एक्सम मतलब आपका नील रेट है ओके सप्लाई अगर आप अल्कोहल पेट्रोल उसमें ही बिजनेस करते हो तो वो केस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है तो उसमें जीएसटी लगता भी नहीं है नॉन टैक्सेबल सप्लाई या फिर कोई ऐसा सप्लाई जो टैक्सेबल है बट एक्समट है जैसे बुक्स हो गई एक्जम्ट है ओके हेल्थ केयर सर्विस हॉस्पिटल की सर्विस एग्जमट है ओके या एग्रीकल्चर सर्विस एक्जम्ट है या कोई गुड्स होगा वेजिटेबल वगैरह एग्जाम है तो एक्जमट नील रेट होगा और आप उसके अलावा कोई सप्लाई नहीं करते हो अंडर सेम रजिस्ट्रेशन कसम खाता हो कि उसके अलावा कोई मेरा सप्लाई नहीं है ये एक्सक्लूसिव वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है तो अगर उसके अलावा आपका कोई भी सप्लाई नहीं होगा दोस्तों तो या ओके क्या

वो एग्रीकल्चरिस और उसका खुद का प्रोड्यूस होना चाहिए खरीदे वा नहीं खरीदे वा नहीं उसका खुद का प्रोड्यूस हुआ होगा फॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड तो वो केस में उसका वो कितना भी बिजनेस करेगा तो वो आपके एग्रीगेट टर्न में नहीं लिया जाएगा एग्रीगेट टर्न में नहीं लिया जाएगा एग्रीकल्चर की डेफिनेशन नीचे मैंने दी है लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको ऊपर की सिचुएशन लर्न करनी पड़ेगी पर यह लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है बट एग्रीकल्चर्स मतलब इंडिविजुअल या एच आएगा जो खुद या फैमिली या फिर अपने लेबर को वेजेस पे अपॉइंट करके कल्टिवेशन कर रहा है कल्टीवेशन कर रहा है उससे प्रोड्यूस निकाल रहा है और प्रोड्यूस निकाल के मार्केट में बेच रहा है जाएगा, जो उसको नहीं खुद प्रोड्यूस करके कल्टीवेट करके बेच रहे माना जाएगा ले रहा है, रहा है, उसको रहा है। लेकिन अगर आप मटेरियल पढ़ोगे और मेरा भी मटेरियल पढ़ोगे तो इंस्टीट्यूट का यहां पे एक क्लैरिफिकेशन है सर क्या क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट का एक क्लैरिफिकेशन यहां कि ओनली आपका इनकम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से होना चाहिए सर अगर मेरा टर्न और एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर नहीं जैसा मैं मैं भी एग्रीकल्चरिस्ट हूं भाई मेरे नाम पे लैंड है मैं भी एग्रीकल्चरिस्ट हूं मेरे नाम पे लैंड है ओके तो क्या अ, अब लेट्स टेक एग्जांपल मेरा कोचिंग से मेरा कोचिंग से बिजनेस है ओके 18 लैक्स कोचिंग से 18 लैक्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से है ओके 4 लैक्स तो ऐसे केस में क्या होगा ऐसे केस में फिर वो ऐड हो जाएगा क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला एग्जाम सप्लाई टर्न ओवर में ऐड हो जाएगा सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं ओके okay, अगर आपका एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चरिस्ट होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है लेकिन आपका एग्रीकल्चर के साथ कुछ और और टैक्सेबल इनकम होगी तो फिर आपका एग्रीगेट में टोटल हो जाएगी और टोटल हो जाएगी और सेक्शन ट्वेंटी पिक्चर में आ जाएगा ओके okay, सेक्शन ट्वेंटी आपको तभी बचाता है जब एक्सक्लूसिव 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 और कुछ नहीं होना चाहिए बस उतना ही होना चाहिए उसके अलावा आपका दूसरा कोई टर्न नहीं

ओनली एंगेज मतलब एक्सक्लूसिव ऐसा सप्लाई कर रहे हो ओके okay, कि जो जिसका टैक्स आप नहीं दोगे रिसिपियन देगा तो जो सप्लायर है उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है इवन दो देयर टर्न ओवर इज मोर देन ट्वेंटी थर्टी और फोर्टी लैक्स एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एक फ्रेंड है लॉयर है और वो सिर्फ लॉयर से ही पैसा कमाता है दूसरा उसका कोई बिजनेस नहीं है लीगल सर्विस है और लीगल सर्विस वो बिजनेस एंटिटी को देता है जहां रिवर्स चार्ज बिजनेस एंटिटी पे है तो ऐसे केस में उसका अरे बहुत कमाता है यार ओके दो करोड़ का बिजनेस है तीन करोड़ का बिजनेस है बीस लाख तो छोड़ दो ओके चार करोड़ का बिजनेस है उसका तो अब अगर वो चार करोड़ का भी बिजनेस कर रहा होगा लेकिन एक्स लीगल सर्विस से कर रहा होगा जिसका टैक्स रिसिपियन देता है बॉडी कॉर्पोरेट सॉरी बिजनेस एंटिटी देता है तो ये सिचुएशन में इसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है लेकिन सेक्शन 23 पिक्चर से तब अट जाता है जब कॉम्बिनेशन आ जाता है कॉम्बिनेशन आ जाता है मतलब क्या तुम्हारे नॉन टैक्सेबल के साथ कॉम्बिनेशन आया फिर ट्वेंटी कहता है सॉरी फिर मैं नहीं आऊगा फिर ट्वेंटी की लिमिट लग जाएगी अगर एग्जाम के साथ आपका कॉम्बिनेशन आ गया टैक्सेबल का फिर सॉरी ओके okay, मैं नहीं आऊंगा ट्वेंटी लग जाएगा ओके okay, ट्वेंटी तभी

ओके okay, मतलब मतलब एग्रीगेट मतलब रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है पर उसके कॉम्बिनेशन में सप्लाई आ गया तो तू तो बेटा फिर तेरे को ट्वेंटी टू की लिमिट लग जाएगी चलिए ये क्लियर हुआ आपको येस और नो पहले ये बताओ कि ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यस और नो ट्वेंटी थ्री क्लियर हो गया यस yes, चलो आगे बढ़ते हैं अब 24 क्या कहता है 24 कहता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कुछ केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना है कुछ केसेस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी आपको लेना है देन चलो कौन कौन सी केसेस जहां आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट अगर इंडिया का कोई भी पर्सन देखो भाई गवर्नमेंट क्लियर कहती है इंडिया का कोई भी पर्सन इंटरस्टेट आईजीएसटी वाला सप्लाई कर रहा है इंटरस्टेट कर रहा है तो फिर हम 10 लाख 20 लाख या 40 लाख नहीं सोचेंगे एक रुपए का भी इंटरस्टेट सप्लाई होता है ओके okay, रुपए का भी सप्लाई होता है तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ओके okay, लेकिन उसको कुछ एक्सेप्शन है और क्या एक्सेप्शन है बेटा ये भी एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट ये तीनों सेक्शन तो लर्न कर लेना ट्वेंटी टू ट्वेंटी ये तीनों सेक्शन आपने लर्न कर लेना है ठीक है तो अब ये क्या कहता है कि यहां पे उसके कुछ एक्सेप्शन है एक्सेप्शन मतलब जहां आपको दस लाख बीस लाख या चालीस लाख वॉटिव इट में भी लिमिट मिल जाएगी फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर इंटरस्टेड टैक्सेबल सप्लाई इवन दो एग्रीगेट टर्न ओवर लेस देन ट्वेंटी लैक्स टेन लैक्स या फोर्टी लैक्स या फोर्टी लैक्स भी लिख लो ओके okay. ओके okay. तो अभी ये लाइन को समझ लो ये लाइन को ओके okay, ये लाइन को आप समझ लो कि आप अगर इंटरेस्टेड सप्लाई करते हो तो आपका टर्न और एक रुपया भी होगा तो भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पर इसके तीन एक्सेप्शन है ये याद रख के जाना तीन एक्सेप्शन है मतलब क्या मतलब ये है कि ये तीन के केस में आपको थ्रेशोल्ड मिलेगा ये तीन के केस में थ्रेशोल्ड अवेलेबल लिखना हो तो लिख दो दैट इज थ्रेशोल्ड अवेलेबल दैट इज थ्रेशोल्ड अवेलेबल थ्रिशुलबल इन फॉलोइंग थ्री केसेसन मेकिंग इंटरस्टेड सप्लाई टैक्सेबल सर्विस वेरी गुड वेरी इंपॉर्टेंट मतलब क्या कि अगर वो सर्विस दे रहा होगा तो उसे इंटरस्टेड दे रहा है और सर्विस दे रहा है तो उसको दस बीस चालीस लाख की लिमिट मिल जाएगी सर्विस के केस में चालीस लाख है ही नहीं बीस लाख ही है या दस लाख ही है तो वो केस में यहां पर इंटरस्टेड सर्विस सर्विस प्रोवाइडर वालों को Okay, यहां पर थ्रेश होल्ड लिमिट मिल जाएगी ओके okay, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट तक टैक्स देने की जरूरत नहीं मतलब क्या हुआ मतलब हुआ कि ये जो इंटरस्टेट वाला कंडीशन है ओके ओनली 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 टू टू गुड्स 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 क्या goods. Goods को ही हैबल है क्यों क्योंकि आप सर्विस देते हो तो आपको थ्रेश होल्ड मिल जाएगा दूसरा पर्सन मेकिंग इंटरस्टेड टैक्सेबल सप्लाई हैंडीक्राफ्ट गुड्स अब अब देखो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अगर इंटरस्टेट होगा और गुड्स का होगा तो ही कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आएगा सर्विस के केस में नहीं आएगा लेकिन दूसरी बात क्या है वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अब हैंडीक्राफ्ट गुड्स को प्रोटेक्ट क्या करना चाहते हैं कि इसके पीछे मैंने लॉजिक भी आपको बताया था कि भाई हिली एरिया है हिली एरिया में जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनते हैं जैसे हिमाचल हुआ उत्तराखंड हुआ ओके आसाम हुआ मणिपुर हुआ तो वो अपने स्टेट में हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचते ही नहीं है क्योंकि उनके स्टेट में हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचा ही नहीं जाता वो छोटे छोटे लोग होते हैं और वो दूसरे स्टेट में जाके रास्तों पर अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचते हैं तो इवन दो वो इंटरस्टेट कर रहे हैं आई रिपीट इवन दो वो इंटरस्टेट कर रहे हैं बेटा ध्यान से सुनिएगा इवन दो वो इंटरस्टेट कर रहे हैं लेकिन ये सिचुएशन में हैंडीक्राफ्ट गुड्स होगा तो कंप्लीट थ्रेश अवेलेबल पर इसमें दो कंडीशन है ओके okay, लिख लो यहां पे उनका पैन होना जरूरी है और ईवे बिल बनाना जरूरी है ओके okay, पैन और ईवे बिल पूछा जा सकता है हैंडीक्राफ्ट okay, गुड्स को पूरा थ्रेशोल्ड मिलेगा मतलब इवन दो हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटरस्टेट हो रहा है लेकिन उनको 10 लाख 20 लाख या 40 लाख वॉट द लिमिट होगी जैसे हिमाचल होगा ओके okay, तो 40 लाख मिल जाएगा वॉट द लिमिट होगी उतना उतने लिमिट तक इंटरस्टेट सप्लाई होने के बाद भी जीएसटी देने की जरूरत नहीं होगी ओके okay, लेकिन उसमें दो कंडीशन उन्होंने डाली हुई है पैन प्लस इवेबिल रिक्वायर्ड उसके बाद में जॉब वर्कर एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस होगा तो वो सिचुएशन में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा चलिए ओके यहाँ पे हमने देखा कि पहला इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है जिसके तीन एक्सेप्शन है तीन एक्सेप्शन मतलब ये तीन केसेस में आपको थ्रेशोल्ड तक कंप्लीट एग्जामेशन नहीं है थ्रेशोल्ड तक जीएसटी देने की जरूरत नहीं है समझाओ तो यस बोलिए बेटा यस बोलते जाइए जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है नालाई की मत करो यस बोलते जाइए ओके okay, उसके बाद में सेकंड अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गए सिटीपी आगे पढ़ाओगे क्या होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगे तो वो सिचुएशन में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है वो वो सिचुएशन में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है लेकिन उसको भी एक एक्सेप्शन है अगर आप सीटीपी हैंडीक्राफ्ट गुड्स के होगे आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स के होगे तो वो केस में आपको थ्रेशोल्ड मिल जाएगा मतलब जो भी लिमिट अपलीकेबल है 10 20 40 लाख की थ्रेशोल्ड की लिमिट वो आपको अप्लीकेबल हो जाएगी ठीक है मतलब हैंडीक्राफ्ट गुड्स एक्सेप्शन है इतना याद रखना उसके बाद में पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर चार्ज रिवर चार्ज में जब भी लाइबिलिटी आती है तो वो केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है फिर वो नाइन थ्री का रिवर चार्ज हो या नाइन फोर का रिवर चार्ज हो पर्सन वो आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर नाइन फाइव ओके ईसीओ के ईसीओ सप्लायर अगर आपको याद हो गए तो याद या नहीं है ईसीओ सप्लायर आपको नाइन फाइव के ईसीओ okay, ओके यानी यहाँ पे आपको ओला का एग्जाम्पल याद होगा या अनरजिस्टर्ड होटल याद होगा ओके okay, या फिर अभी आपको ओके okay, स्विगी वाला याद होगा तो ये जो हमने देखे नाइन फाइव के जो ई सी हो गए तो नाइन फाइव के ईसी यहां okay, तक देखा जाए तो उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो नाइन फाइव के ई है उसके बाद में एनआर टीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन शॉर्ट में लिख सकते हो एनआर टी पी ओके तो इनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है उसके बाद में पर्सन हुआ टू डिडक्ट टैक्स ये आपने नहीं पढ़ा तो भी चलेगा इंटर लेवल पे एनआरटीपी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है हां और ये वाला पर्सन सॉरी दो मिनट रुक जाना हाँ ये वाला जो है पर्सन हु मेक द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और और बोथ ऑन द ऑफ अदर मतलब एजेंट ये एजेंट जो अपना ओन इनवॉइस वॉयस इशू करता है एजेंट जो आगे अपना ओन इनवॉइस इश्यू करता है वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आएगा बाकी का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ये इंटर लेवल पे अप्लीकेबल नहीं है आपके मेटेरियल में दे दिया है ठीक है ये तो मैंने यहां इसलिए दिया क्योंकि कुछ बच्चों के नोट्स में मैंने दिया हुआ था इसलिए मैं अभी बता देता हूं बाकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बस आपको मेनली यहां पे सिक्स आइटम्स पढ़ने की जरूरत है पहला इंटरस्टेड सप्लाई सी टी पी टी पी रिवर चार्ज ई सी ओ और नेक्स्ट एजेंट जो अपना इन्वाइस इश्यू कर रहा है उसको यहां पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा ठीक है चलिए हो गया 22, 23 एंड 24. अब बेटा यहाँ पे मैंने जो स्पीड में आपको पढ़ाया वो स्पीड मतलब नॉर्मल स्पीड ही थी लेकिन अगर आप ये ये चार्ट बुक में एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपको एक एक बात समझाऊ समझाने के लिए तो टाइम नहीं है रिवाइज करने के लिए टाइम है और अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो अच्छे से रिवाइज होगा ओके तो अच्छे से रिवाइज होगा या आपने मेरा रेगुलर क्लास लगाया होगा तो आपको हर चीज याद आ रही होगी जो मैंने एक्सप्लेन की है ओके okay, तो चलिए तो ये था हमारा यहां पे सेक्शन 22, 23 एंड 24। अब आ जाओ आप सेक्शन 25 फाइव पे सेक्शन 25 पे आ जाओ पहले प्रोसीजर देख लेते चलो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अच्छे से पढ़ के जा रहा टाइमलाइन फॉर एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अ पर्सन हु इज लाइबल टू रजिस्टर्ड सुनिए पर्सन इज लाइबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और 24 मतलब 22 क्या था भाई थ्रीशोल्ड पे रजिस्ट्रेशन 24 क्या था थ्रीशोल्ड वेसोल्ड छोड़ो एक रुपए का भी टर्न ओवर किया आपने इंटरस्टेट सी टीपी एनआरटीवी वगैरह या रिवर चार्ज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन तब के तब अप्लाई करना पड़ेगा तो अगर आप 22 और 24 में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन स्टेट में करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन आपको विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द दे डेट ऑन विच बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन यानी जिस दिन आप लाइबल हुए लाइबल कब हुए जब आपने 20 लाख 10 लाख या 40 लाख क्रॉस कर दिया या फिर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ गए तो जिस दिन भी आपने लाइबल हुए वहां से तीस दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे सुनो वहां से तीस दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यूनिट इन एस और एस डेवलपर एस मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये एक्सपोर्ट जोन होते हैं ओके यानी स्पेशल जोन बनाए जाते हैं जहाँ यूनिट्स होते हैं आपके आपकी आपकी फैक्ट्रीज होती है आपकी ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं और वो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो आपके एक्सपोर्ट यूनिट्स होंगे तो वो भी ओके शल अप्लाई फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर यूनिट इन एस सी और आउटसाइड एस सी जेड इन सेम स्टेट और वो भी थर्टी डेज में अब ये पॉइंट को समझ लो समझ लो ये मुंबई में एस सी जेड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है अब मेरी एक फैक्ट्री पुणे में है सुनिए मेरी एक फैक्ट्री पुणे में है और एक फैक्ट्री एस सी जेड में है ओके okay, जो स्पेशल जोन है एस सी जेड में है तो लॉ ये कहता है कि इवन दो दोनों सेम स्टेट में एक मुंबई एससीजेड में और एक जो है पुणे में इवन दो सेम स्टेट में है लेकिन आपको एसीजेड यूनिट का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अरे सर सिंगल रजिस्ट्रेशन नहीं यहां नहीं चलेगा अगर कोई भी यूनिट आपका एससीजेड में है तो उसका आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा उसके बाद में पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इन ट्रोटल वाटर यह आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ओके ट्रोटल वाटर में कोई सप्लाई हो रहा है तो उसके जो आपका कोस्ट कोस्टल पोर्ट होगा जैसे कि okay, टे, टेरिटोरियल वाटर में कोई सप्लाई हो रहा है तो नियरेस्ट गोवा होगा नियरेस्ट महाराष्ट्र होगा नियरेस्ट गुजरात होगा जो भी नियरेस्ट होगा ओके okay, वहां उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और सी और एनआर इसको हम आगे डिस्कस करेंगे सुनिए सी और एनआरटी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे ओके ये भी स्टेट वाइज लेते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान सुनना अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो अगर या फिर आप एनआरटीपी हो तो आपको तीस दिन नहीं आपको डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सुनिएगा फाइव डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ओके आई रिपीट अगर आप सुनो आई रिपीट अगर आप सी टी पी और एनआरटीपी हो Normally, क्या होता है जिस दिन आप लाइबल हुए वहां से तीस दिन में रजिस्ट्रेशन है लेकिन सिटी भी एनआरटीपी होगा तो फाइव डेज बिफोर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा नाउ चलो आगे आते हैं पैन ओके okay, क्या सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए पैन होना जरूरी है बिल्कुल विदाउट पैन आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते लेकिन दो उसके एक्सेप्शन है एक्सेप्शन बेटा अच्छे से पढ़ के जाना क्यों क्योंकि इंस्टीट्यूट का ध्यान एक्सेप्शन पे ज्यादा होता है दो उसके एक्सेप्शन है एक ओके okay, अगर आप टी की प्रोविज़न में आते हो वो इंटर लेवल पे अप्लीकेबल नहीं है फाइनल लेवल पे अप्लीकेबल है ओके okay, तो अगर आप टी की प्रोविज़न में आते हो तो फिर वो सिचुएशन में आपको विदाउट पैन रजिस्ट्रेशन उसके अपना अलग फॉर्म है और आप एनआरटी हो एन आर टी पी मतलब नॉन रेजिडेंट टैक्सीबल पर्सन ये याद रखना इस पर एम क्वेश्चन आते हैं अगर आप एनआर टी पी हो तो आपके पास पैन नहीं होगा क्योंकि आप नॉन रेसिडेंट पर्सन हो तो वो केस में आपके पासपोर्ट के बेस पे आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा उसके बाद में रजिस्ट्रेशन इन स्टेट ओके मैं आपको ये पहले भी पढ़ा चुका हूं और अभी पढ़ा देता हूं कि लॉ तो ये कहता है कि आप सिंगल रजिस्ट्रेशन लो इन अ स्टेट

सेम पैन तो वो सिचुएशन में आप सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया तो भी चलेगा लेकिन ओके okay, लेकिन अगर आपको सेम स्टेट में अगर आपको सेम 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 स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपकी मर्जी हम फोर्स नहीं करेंगे मे भी ग्रांटेड मतलब आपको समझ लो मेरी एक ब्रांच के okay, पुणे में दूसरी ब्रांच नागपुर में तीसरी ब्रांच यहां पे मुंबई में ओके लॉ तो कहता है एक ही ले लो तीनों का रजिस्ट्रेशन लेकिन ओके okay, यहाँ पे ध्यान रखना अगर मुझे लेना है या टैक्स पेयर पर रख दिया मुझे पुणे का अलग लेना है महाराष्ट्र का अलग मुंबई का अलग लेना है और यहाँ पे नागपुर का अलग लेना है तो मैं ले सकता हूँ लेकिन अगर मैंने ले लिया अलग अलग तो वो सिचुएशन में वो डी मान लिए जाएंगे याद करो डीम डिस्टिंग पर्सन सेक्शन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी मैं पढ़ा चुका हूँ डीम डिस्टिंग पर्सन तो अगर वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपने सेम स्टेट में ले लिए तो वो आप डीम डिस्टिंग पर्सन मान लिए जाओ वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्या आप वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन ले सकते हो समझ लो मेरा एग्रीगेट टर्न ओवर दस लाख बीस लाख या चालीस लाख वाटर रेट में भी ये क्रॉस नहीं हुआ है पर मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है जीएसटी पांच लाख का ही टर्न ओवर हुआ है और पांच लाख के टर्न पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मुझे करवाना है क्यों क्यों क्योंकि जहां तक है और मेरे कस्टमर जीएसटी इनवाइस मांग रहे हैं ओके okay, या फिर मुझे वो हरेशमेंट से बचना है या फिर मुझे वो एम्बरसमेंट होती है उससे बचना है व्हाट ऑवर इट मे भी वॉट द बेनिफिट्स ऑफ वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन मुझे वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना है क्या मैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ बिल्कुल ले सकते हो लेकिन ख्याल रहे अगर आपने वॉल्ट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आप टैक्सेबल पर्सन बन जाओगे और अगर आप टैक्सेबल पर्सन बन गए तो वो सिचुएशन में आपको जीएसटी देना पड़ेगा ओके okay, तो अगर आपने पांच लाख पे वॉल्ट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको अब रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जीएसटी पे करना शुरू कर देना पड़ेगा इज इट क्लियर तो ये जो थ्रेशोल्ड है ये बेसिक एग्जामिशन नहीं है कि हर साल मिलता है ये सिर्फ है कि इतने इतने लिमिट के बाद रजिस्ट्रेशन करो और वंस यू रजिस्टर्ड इतने लिमिट के बाद आप रजिस्ट्रेशन करो वंस यू रजिस्टर्ड तो फिर उसके बाद आपको कंटिन्यूस जीएसटी देना पड़ता है ये बेसिक एग्जामेशन एवरी ईयर ऐसा नहीं होता है वो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है आई होप यू अंडरस्टूड उसके बाद में ओके okay, रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपकी बैंक डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी एज पर रूल टेन ओके बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी ओके okay, अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम आप नहीं दे पाए तो आप बाद में भी दे सकते हो विद इन फोर्टी फाइव डेज और आपका रिटर्न का डेट विच इज अर्लियर ये याद रखना आ सकता है एग्जाम में ओके okay, हाईलाइट कर रहा हूं मैं ओके okay, तो बैंक डिटेल्स आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम देनी पड़ती है आर मतलब ओके okay, यहाँ पे रजिस्टर पर्सन तो यहाँ पे उसको आर आने के बाद आने डेज में उसको बैंक डिटेल्स देनी पड़ेंगे और वो आपकी बैंक डिटेल्स आपके आधार से लिंक रहेगी आधार से लिंक रहेगी इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है तो आपका जीएसटी ये फिफ्टीन डिजिट का होगा उसके बाद में ओके आपकी जो भी आरसी आएगी आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो आप प्रॉपरली जीएसटीएन नंबर वगैरह नेम बोर्ड पे प्रोमिनेंट प्लेस पे लिख देना जिसमें आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल मतलब क्या कि जैसे नागपुर में सॉरी महाराष्ट्र में मेरी ट्वेंटी ब्रांचेस है अब ट्वेंटी में से प्रिंसिपल पुना है तो उसका डिटेल्स देना पड़ता है पुना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और बाकी सब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है अंडर द सेम रजिस्ट्रेशन उसकी सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आपने तीस दिन के अंदर अप्लाई कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन उस दिन से ही लागू हो जाएगा जिस दिन से आप हुए। लेट्स आपने आप आपने बीस लाख का टर्न ओवर क्रॉस किया यहां पे दस दिसंबर को ध्यान सुनना बीस लाख का टर्न ओवर क्रॉस किया आपने दस दिसंबर को तो आप लाइबल कब हुए 10 दिसंबर को आपने अब आपको रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन के लिए 30 दिन है भाई तीस दिन में आप कभी भी अप्लाई कर दो फॉर रजिस्ट्रेशन तो चलिए आपने कि दस दिसंबर को लाइबल हुए थे बीस दिसंबर को अप्लाई किया यानी आपने थर्टी डेज में अप्लाई कर दिया अगर आपने थर्टी डेज में अप्लाई कर दिया तो आप रजिस्टर पर्सन कब से माने जाओगे बीस से या दस से तो आप दस से ही रजिस्टर पर्सन माने जाओगे आई रिपीट आप दस से ही रजिस्टर पर्सन माने जाओगे ठीक है मतलब जिस दिन से लायबल हुए उसी दिन से रजिस्टर पर्सन इसके क्या फायदे इसके फायदे ये है मैंने आईटीसी में पढ़ाया था ओके कि आपको आईटीसी 10 दिसंबर से ही मिलना चालू हो जाएगा इवन दो आपकी आरसी लेट आई होगी क्योंकि आपने 20 को अप्लाई किया आरसी 25 को आ सकती है इवन दो आर लेट आई होगी लेकिन आप दस तारीख से ही रजिस्टर पर्सन माने जाओगे लेकिन अगर आपने थर्टी डेज में अप्लाई नहीं किया ध्यान सुनना अगर आपने थर्टी डेज में अप्लाई नहीं किया तो वो सिचुएशन में जिस दिन आर आएगी जिस दिन आर सी आएगी उस दिन आप रजिस्टर सेक्शन ट्वेंटी फाइव के मैंने यहां कवर कर लिए अब आते हैं थोड़ा एक डिस्कशन पे और वो है आधार ऑथेंटिकेशन ध्यान से देखना एक डिस्कशन जो है आधार ऑथेंटिकेशन उसके ऊपर आते हैं यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आधर ऑथेंटिकेशन आथे, इसको प्रायोरिटी बी में रखना इसके मेन मेन डिस्कशन समझ लो और इसमें ओके एक रूल टेन भी आया अमेंडमेंट थी वो अमेंडमेंट अच्छे से पढ़ के जाना ओके मैंने अमेंडमेंट्स में कवर किया और वो यहाँ पे भी कवर कर लेता हूँ ओके अच्छे से पढ़ के जाना उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आधर ऑथेंटिकेशन क्या होता था कि भाई इतने फेक इन्वाइस बने इतने डमी एड्रेस हुए ओके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इतने लिए गए जस्ट ओके यहाँ पे रॉन्ग क्रेडिट लेने के लिए फेक इन्वाइस बनाने के लिए तो गवर्नमेंट ने क्या होता था लोग कंपनी बनाते थे फेक इन्वाइस इशू करते थे सामने वाला क्रेडिट ले लेता था ओके फेक इन्वाइस पे और जो एड्रेस पर कंपनी बनाएगी वहां कंपनी दिख ही नहीं रही है वहां कोई है ही नहीं फेक डॉक्यूमेंट्स फ़ेक इन्वाइसिस मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेके बहुत सारे जीएसटी में फ्रॉड हुए इसलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 25 में एक प्रोसीजर एक्सप्लेन की ट्वेंटी फाइव सिक्स ए से लेके ट्वेंटी फाइव सिक्स ए सिक्स बी सिक्स सी और सिक्स डी ओके तो गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसीजर लाई और गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भाई आधार ऑथेंटिकेशन अब ओके okay, जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा उनको जरूरी हो जाएगा यहां मैं दो पार्ट करता हूँ पहला और दूसरा पहले ये दूसरा वाला पार्ट ले लेता हूं फिर पहला वाला पार्ट ले लेता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी ओके okay, तो अब देखिए बेटा पहला हम यहाँ पे पर्सन अप्लाइंग फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन पहले ये वाला पार्ट लेता हूँ कि ये आधार ऑथेंटिकेशन जो प्रोसीजर आई ओके okay, वो प्रोसीजर आने के बाद अब जो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा उसको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा सर ये आधार ऑथेंटिकेशन क्या होता है कुछ नहीं होता है ओके आरईजी जीरो वन ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है कौन सा आरईजी जीरो वन आरईजी जीरो वन ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ओके okay, वहां एक ऑप्शन आता है ओके okay, अब वो आपको क्लिक करना पड़ता है कि आधार ऑथेंटिकेशन और आधार ऑथेंटिकेशन पे आपने क्लिक किया कि आपको एक मेल आता है मेल पे एक लिंक आती है मेल वो लिंक जो है आधार डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होती है जैसे आपने वो लिंक पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद एक ओ आता है वो ओ आपने सबमिट किया तो मतलब ही आपने खुद अप्रूव किया कि ये मेरा आधार है और आपने ऑथेंटिकेट किया कि मैं ये पर्सन हूँ कुछ नहीं मेल पे लिंक आती है लिंक को क्लिक करो एक ओटीपी जनरेट होता है वो ओटीपी डाल दो आपका ऑथेंटिकेशन खत्म इसको कहते हैं आधार ऑथेंटिकेशन तो दोस्तों यहां पे अब यहां पे जीएसटी में जब भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है आपको आधार ऑथेंटिकेशन करा लिया तो उसके कुछ फायदे हैं जो आगे बताओगे हाँ तो इसमें दो पार्ट है ओके इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडि होगा तो अपना आधार खुद का आधार ऑथेंटिकेशन करवाएगा ओके तो अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश द प्रूफ ऑफ आधार नंबर विथ रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन इन ऑर्डर टू टू ग्रांट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओके लेकिन अगर अब यहां पे आधार जो मिलता है वो आधार कंपनी का नहीं होता है वो इंडिया में आज आधार सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलते हैं ओके okay, लेकिन Uh, हमारे यहाँ तो एच भी होता है कंपनी भी होती है एक्सेट्रा तो फिर अगर मेरी एच होगी तो फिर ऑथेंटिकेशन के रूप किसका करवाओ क्योंकि मेरा पैन तो एच का है तो ऐसे केस में अगर एच है तो कर्ता का करवाओ कंपनी होगी तो एम का कराओ या वोल टाइम डायरेक्टर का कराओ अगर ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा तो मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी का कराओ ट्रस्ट होगा तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का कराओ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कोई होगा तो वो आपके भी आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव उसको दे सकते हो ऑथराइज सिग्नेटरीज होगा या कोई भी पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट तो आप यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन करवा सकते हो आपको एक क्वेश्चन ये एरिया में पूछा जा सकता है कि भाई एच होगा तो आधार ऑथेंटिकेशन किसका तो करता कंपनी होगी तो एम या वर्ल्ड टाइम डायरेक्टर एओपी होगा तो मैनेजिंग कमेटी या ट्रस्ट होगी तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ओके इनका आधार ऑथेंटिकेशन आपको करवाना पड़ेगा या उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का करवाना पड़ेगा सर आधार ऑथेंटिकेशन आधर नहीं करवा नहीं करवाना है मुझे अपना आधार ऑथेंटिकेशन आधर तो गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर रही है अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन आधर नहीं करवाया तो फिर इसमें क्या होता है आपका रजिस्ट्रेशन मिलने में लेट हो जाता है क्यों क्योंकि गवर्नमेंट फिर क्या होता है आपके प्रीमाइसिस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी अगर आपने आदर ऑथेंटिकेशन दे दिया करवा दिया तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन बिना किए वो आरसी देती है आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओके फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा डायरेक्ट आपको आरसी दे देगी ओके okay, और उनको बाद में लगा तो करेगी अदरवाइज नहीं करेगी यानी वो फास्ट प्रोसीजर हो जाती है लेकिन अगर आपने आदर ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा ओके okay, तो ये हमने देखा ये किन लोगों के लिए ओके जो जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है उनके लिए आधार ऑथेंटिकेशन था लेकिन बेटा यहाँ पे समझ लो मेरे को फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं ओके जहां तक देखा जाए मैं ऑलरेडी 2017 में रजिस्टर हूँ और ये आधार ऑथेंटिकेशन तो 2020 में आया तो जो ऑलरेडी ओके रजिस्टर पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर पर्सन थे क्या उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन करवाने पड़ेंगे ये तो बात समझ सकते हैं कि जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है उनको करवाने पड़ेंगे और रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही ऑथेंटिकेशन की प्रोसीजर हो जाती है लेकिन वो लोग सुनिए ध्यान से वो लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे उनका क्या तो यहाँ एक अमेंडमेंट आई है और ये तीन पॉइंट लर्न कर लेना वन टू और थ्री ओके okay, और वो क्या है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको सिर्फ तीन केसेस में ही आधार ऑथेंटिकेशन करवाने पड़ेंगे अदरवाइज उनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है ओनली तीन केसेस में आधार ऑथेंटिकेशन करवाने पड़ेंगे कौन से अप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ये पहला पॉइंट समझ लो अगर आपका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया होगा भाई डिपार्टमेंट ने क्यों कैंसिल कर दिया आपका रजिस्ट्रेशन ओके okay, सर मेरा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कौन होता है कैंसिल करने वाला आगे मैं सेक्शन 28 एट में पढ़ाऊंगा 20 सॉरी 29 नाइन में पढ़ाऊंगा कि यहां पे कुछ केसेस ऐसी है कि जहां डिपार्टमेंट आपका खुद होकर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है और एग्जांपल की तौर पे पर okay, आपने रिटर्न नहीं फाइल किया आपने बैंक डिटेल्स नहीं दी औ आपने फ्रॉड इन्वाइस दिए तो डिपार्टमेंट कैंसिल कर देता है फिर आप माफी मांगने जाते हो कि सर ओके okay, फिर से दे दो रिवोकेशन मतलब फिर से मेरा रजिस्ट्रेशन बहाल कर दो फिर से दे दो तो, और, तो, और आप अपना रजिस्ट्रेशन फिर से बहाल करवा रहे हो फिर से ले रहे हो, ओके तो वो केस में अब गवर्नमेंट कहेगी कि देख भाई ओके पहले तू रजिस्टर था हमने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तेरा लेकिन अब तुझे वापस रजिस्ट्रेशन चाहिए तेरा आरसी चाहिए तो अब तुझे आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा दूसरा केस जहां आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो पर आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा वो है फाइलिंग ऑफ रिफंड रिफंड एप्लीकेशन अगर आप कोई डिमांड कर रहे हो उसका एप्लीकेशन दे रहे हो तो वहां ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा और रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स होगा तो ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा भाई लोगों ओके ये तीन केसेस लर्न कर करके जाना कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको फिलहाल वैसे तो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है लेकिन तीन केसेस होगी तो उनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा समझा या नहीं समझा ओके चलिए ये हुई ना बात ओके तो यहां अब नीचे जो है ओके नीचे यहां पे ध्यान से देखो ओके ये जो है अदर ऑथेंटिकेशन कहाँ करने की जरूरत नहीं है इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में कि कौन कौन सी केसेस है जहां आदर ऑथेंटिकेशन करवाना नहीं पड़ेगा ओके एक है नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो तो आदर ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा लर्न कर लेना बॉस ये आ सकता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा तो आदर ऑथेंटिकेशन करवाना जरूरी नहीं है लोकल ऑथोरिटी होगी स्टेचुटरी बॉडी होगी होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगी या पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन ट्वेंटी कैटेगरी है बाय हार्ट लर्न कर लेना आ सकता है एग्जाम में कि भाई कौन से केसेस में आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है तो ये छह केसेस है जहां आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है ओके okay, फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब बताओ फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा ओके जनरली फिजिकल वेरिफिकेशन दो केसेस में होता है अगर आपको वेरिफिकेशन बिफोर ग्रांट ऑफ आरसी अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया मतलब ये तो फिक्स है अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो फिजिकल वेरिफिकेशन तो हो के रहेगा ये थर्टी गलती से आया है विद इन फिफ्टीन डेज चाहिए यहाँ पे ठीक है तो अदर ऑथेंटिकेशन या फिर ऑफिसर को कोई डाउट होगा तो वो जो है यहाँ पे अदर ऑथेंटिकेशन करवाएगा जिसकी रिपोर्ट पंद्रह दिन के अंदर सबमिट की जाएगी ओके यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन की सॉरी जब डाउट हो तब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा या फिर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया होगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपके प्लेस ऑफ आप बिजनेस का पीओबी मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस का चलिए तो ये हमने कॉन्सेप्ट देखा यहां पे ट्वेंटी फाइव वन और ट्वेंटी फाइव का पूरा आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर नीचे कुछ प्रोसीजर है मैं एक्सप्लेन करूंगा वो भी ओके चलो यहां पे आ जाओ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया सीटी पी एंड एनआरटीपी सी एंड एनआरटीपी Institute का फेवरेट एरिया है ओके okay, चलो मैं थोड़ा आपको पिक्टोरल प्रेजेंटेशन से याद दिला दूं समझा नहीं सकता याद दिला सकता हूं बी केयरफुल वो टाइम गया समझने का अब ये रिविजन सिर्फ याद करने के लिए या वापस रिकॉल करने के लिए चलो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कंसेप्ट मैंने सब कुछ बहुत कुछ लिखा हुआ है तो आपको समझा देता हूँ हर पॉइंट में समझा देता हूँ चलो ध्यान से अगले दस मिनट पूरा ध्यान देना सीटी पी आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे और इस बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो मार्क्स मत छोड़ना सीटी पी और एनआरटीपी आर यू रेडी यस और नो हाउ इज द जोश कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यानी क्या ध्यान से सुनिएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यानी आप कोई अदर स्टेट में बिजनेस करने जा रहे हो जहां आपकी कोई भी ब्रांच नहीं है और वहां जाके आप सेल करोगे ओके वहां जाके आप सेल करोगे उसको कहा जाता है सीटीपी, ओके यानी आप गुड्स रिमूव कर रहे हो या आप वहां जाके सर्विस दे रहे हो वॉट इट में भी गुड्स हो या सर्विस हो तो सि मतलब कैजुअल टेम्पररी ओके सिटी पे मतलब कैजुअल है ना टेम्प्ररी टैक्सेबल पर्सन कैजुअली कैजुअली आप टैक्सेबल हो रहे हो कैजुअली आप टैक्सेबल पर्सन हो रहे हो उसको सिटी कहा जाता है सिटी पी मतलब यू आर डूइंग द बिजनेस इन सच ओके स्टेट वेयर यू डोंट हैव एनी एस्टेब्लिशमेंट लाइक एग्जीबिशन आप वहां जाके एग्जीबिशन में जाओगे और वहां सेल करोगे या फिर आप वो स्टेट में जाके रोड साइड सेल करोगे स्वेटर है हिमाचल के आसाम के स्वेटर आ रहे रोड सेल सेल कर रहे कहीं पे भी सेल करो पर आप वहाँ आपकी वहाँ पे कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है उसको कहते हैं सिटी पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नाउ आपको ये बता दूँ जब आप वहां जाके सेल करते हो एक्चुअल सेल होती है तो उसके ऊपर आई लगता है सी जी नहीं आई मतलब मतलब आपका जब गुड्स रिमूव होता है तो वो चालान के अंडर रिमूव होगा क्योंकि तब तो सप्लाई है नहीं ओके okay, क्यों क्योंकि क्यों? क्यों? अभी तो आप गुड्स रिमूव करोगे फिर एग्जीबिशन में लेके जाओगे फिर एग्जीबिशन में वहाँ लोगों को सेल करोगे सेल करोगे तो जब रिमोल हो रहा है तब सप्लाई नहीं है इसलिए रिमोल अंडर चालान होगा और वहाँ जाओगे और वहाँ जाने के बाद आप लोगों को सेल करोगे एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ओके वो एक ज्वेलरी वाला क्लेरिफिकेशन भी था कि अगर मैं घर घर पे जाके ज्वेलरी जैसे या अम्बानी के यहाँ कोई शादी है और मैं ज्वेलर हूँ यहाँ पे तो मैं गुजरात का ज्वेलर हूँ मैं उनके घर पे जाके बेच रहा हूँ तो वो भी जो है एज अ ओके नहीं नहीं उसको सी नहीं बोला जाता है सॉरी उसको गुड सेंड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस बोला जाता है वो मैं बाद में कवर कर लूंगा ओके सी मतलब आप कोई एग्जीबिशन में जा रहे हो सुनो कोई आप एग्जीबिशन में जा रहे हो ओके okay, या कोई रोड साइड जाके वहां बिजनेस कर रहे हो तो उसको सी बोला जाता है जहां एस्टेब्लिशमेंट नहीं है वहां जाके जब सेल करते हो तो लॉ कहता है कि आपको किसका बिल बनाना पड़ेगा आई का बिल बनाना पड़ेगा ओके okay, अब यहां पे सुनो सीटीपी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है ऊपर देखो सेक्शन 24 अगर आप सीटीपी बन रहे हो यानी आप वहां जाके रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आता है अब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेना रजी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मतलब अगर आप अनरजिस्टर्ड हो आप अनरजिस्टर्ड हो क्योंकि आपका बिजनेस दो तीन लाख का है समझ लो एक कोई यहाँ पे घर से ही साड़ी का बिजनेस करता है ड्रेस का बिजनेस करता है दो तीन लाख का बिजनेस अनरजिस्टर्ड है इवन दो आप अनरजिस्टर्ड हो गए तो आपको यह सीटीपी का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन एज अ सीटीपी आपको सीटीपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा वो कंपलसरी है सेक्शन 24 में अरे सर बट नहीं वो कंपलसरी है और वो एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन आता है टेम्प्री रजिस्ट्रेशन आता है जिसको हम सीटीपी कहते हैं ओके जब तक आप वहां एग्जीबिशन में हो तब तक रजिस्ट्रेशन रहेगा फिर वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा ओके okay, क्यों क्योंकि आप छोटे हो बीस लाख के नीचे आपका टर्न है लेकिन आप सीटी कर रहे हो इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा डाउट्स मत पूछना भाई पहले को समझ समझ लो अभी ये स्टेज पे भी लिए तो इनफ है और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो गए आपको डायग्राम चाहिए तो मैं स्क्रीन बड़ी कर दूंगा आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो गए क्योंकि आपका टर्न ओवर बीस लाख से ज्यादा है और आप एग्जीबिशन के लिए जा रहे हो ओके okay, तभी भी आपको सीटीपी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इन शॉर्ट आप अनरजिस्टर्ड हो तभी लेना पड़ेगा रजिस्टर्ड हो तभी लेना पड़ेगा सीटीपी का रजिस्ट्रेशन आपको आरजी01 फॉर्म में लेना पड़ेगा ओके okay, और ये रजिस्ट्रेशन 5 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ध्यान से सुनना 5 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अभी-अभी हमने देखा देखो लेफ्ट साइड में ओके okay, सेक्शन 25 में हमने देखा कि ये तीस दिन बाद नहीं एडवांस में लेके जाना पड़ेगा मतलब क्या यानी आप वहां जाके जब बिजनेस करने वाले हो उसके पांच दिन पहले ही आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा एटलीस्ट फाइव डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वहां अप्लाई करना पड़ेगा और यह रजिस्ट्रेशन आपको जो मिलेगा यह नाइन्टी डेज के लिए मिलेगा फॉर एंड फर्दर एक्सटेंशन नाइन्टी डेज ये रजिस्ट्रेशन पहली बात तो आपने जितना डिमांड किया उतना समझ लो आपने दस दिन ही डिमांड किया तो दस दिन का मिलेगा आपने बीस दिन का एग्जीबिशन का डिमांड किया बीस दिन का मिलेगा इसका रजिस्ट्रेशन सेपरेट ही आता है एज ए सिटी भी तो आपने दस दिन डिमांड किया 20 दिन डिमांड किया जितना दिन डिमांड किया उतना ही आपको मिलेगा लेकिन नॉर्मली 90 डेज से ऊपर नहीं मिलता है अगर इससे ऊपर लेना है तो आपको स्पेशल एक्सटेंशन अप्लाई करना पड़ता है फर्दर 90 डेज मैक्स टू मैक्स 180 डेज इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा ठीक है so, सो यह हुआ रजिस्ट्रेशन अब देखो रजिस्ट्रेशन पांच दिन पहले अब गवर्नमेंट क्या कहती है सीटीपी में गवर्नमेंट अपने आप को सिक्योर करती है गवर्नमेंट कहती है यहां पर कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे फाइव डेज बिफोर फिर आप रजिस्टर्ड हो या ना हो सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इनकेस ऑफ सि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एस्टिमेटेड लाइबिलिटी पे पहले ही टैक्स पे करना पड़ेगा एडवांस में ही टैक्स पे करना पड़ेगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके okay, और वो आपके कैश लेजर में डिपॉजिट करना पड़ेगा मतलब क्या मतलब वहां जाके आप कितना बिजनेस कर रहे हो समझ लो आपने एस्टिमेट किया दस लाख रुपए तो दस लाख का एटीन परसेंट वन लाख एटी थाउजेंड जो है वो आपको यहां पे पहले से ही डिपॉजिट कर देना पड़ेगा आपके ई कैश लेजर में ओके okay, और नेट ऑफ आईटीसी नेट ऑफ आईटीसी मतलब ये कि समझ लो दस लाख का आपका जीएसटी एस्टिमेटेड बनता है एक लाख अस्सी हजार तो एक लाख अस्सी हजार माइनस आपके पास ओके जो गुड्स आप लेके जा रहे हो एग्जीबिशन में उसके आईटीसी है तो उसके आईटीसी समझ लो पचास हजार है तो वन एटी माइनस फिफ्टी यानी वन पे आपको जीएसटी ओके डिपॉजिट करना पड़ेगा ठीक है आई होप तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि पांच दिन पहले रजिस्ट्रेशन और वही आपको रजिस्ट्रेशन के साथ ही एडवांस में टैक्स देना पड़ेगा जब तक ये आप टैक्स नहीं देते हो तब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है आपका एडवांस डिपॉजिट ही टैक्स रखना पड़ेगा चलिए सीटीपी हमारा जनरल फॉर्म फाइल करेगा जीएसटीआर वन ओके वो उसका जितना भी उसने आउटवर्ड सप्लाई किया दस दिन है बीस दिन है या नाइनटी डेज है वो जीएसटी आर वन में देगा और उसका जीएसटीआर थ्री बी भी फाइल करेगा जो नॉर्मल रिटर्न है ये आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट हुआ और थ्री बी नॉर्मल रिटर्न हुआ अब उसकी एक्चुअल लाइबिलिटी क्योंकि उसने एस्टिमेटेड लाइबिलिटी ऑलरेडी डिपॉज की है अब एक्चुअल जब एग्जीबिशन में जाता है और उसकी एक्चुअल लाइबिलिटी इज मोर देन नेट टैक्स पेड अर्लियर तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और उसकी एक्चुअल लाइबिलिटी कम है और उसने ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स दिया है तो उसका रिफंड मिल जाएगा दैट्स ऑल बेटा सीटीपी अगर किसी को डायग्राम निकालना है तो निकाल लो ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया इसका स्क्रीनशॉट ले लो आई होप आपके समझ में आ गया होगा तो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है या आगे कनेक्ट हो गए या फ्यूचर में कनेक्टेड हो गए कमेंट देना आपका काम है ओके और डिस्कशन तो सही लगा तो आपका एक और काम है लाइक करना आपका काम है ओके समझाना ये हुआ सेटी पे स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा चलिए अब देखते हैं एनआरटीपी एनआरटीपी कंसेप्ट क्या है एनआरटीपी कंसेप्ट कि सेम लाइक सीटीपी सीटीपी में क्या होता है बेटा सीटीपी में हमारा इंडिया का ही बंदा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है जहां उसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जहां उसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो एनआरटीपी में क्या होता है एनआरटीपी में बाहर का कोई बंदा इंडिया में आ रहा है बिजनेस करने के लिए जैसे नेपाल से लोग स्वेटर लेके आ रहे हैं जैकेट्स लेके आ रहे हैं ओके या यू में बहुत बड़ा एक, आ, कार एक्सपो है तो बाहर से इंडिया में कार आ रही है और कार आके वो बंदा जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है वो बंदा जो बाहर का नॉन रेसिडेंट है इंडिया में टेम्प्रेरी एग्जीबिशन के लिए आ रहा है और वो टेम्प्रेरी एग्जीबिशन पे आके यहाँ पे सेल कर रहा है तो गवर्नमेंट ने इनके लिए भी टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन करवाया है कि इनके पासपोर्ट के बेस पे इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ओके और ये टेम्प्रेरी रहेगा अगर ये एग्जीबिशन दस दिन का है तो लाइक अ सिटी भी ओके दस दिन का है तो दस दिन ओके मैक्सिमम नाइन्टी डेज एक्सटेंशन फॉर फर्दर नाइन्टी डेज तो ये जो है टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और जो भी माल इन्होंने यहाँ बेचा जो भी सर्विसेज इन्होंने यहाँ प्रोवाइड किया ओके उसका जी भी देंगे ओके okay, ये एनआरटीपी के रजिस्ट्रेशन के बेस पे तो सीटीपी जैसा है ओके okay, इनको पांच दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एडवांस में टैक्स देना पड़ेगा एस्टिमेटेड लाइबिलिटी पे देना पड़ेगा ओके okay, और यहां पे हाँ बस डिफरेंस क्या है ओके okay, एडवांस में तो टैक्स देना ही पड़ेगा यानी ए सेम प्रोसीजर लाइक सीटीपी बस डिफरेंस है कि सीटीपी को क्रेडिट मिलते हैं एनआरटीपी को सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स के ही क्रेडिट मिलते हैं वेरी को सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स के ही क्रेडिट मिलते हैं अदर नहीं है. okay, like समझा है तो फिर आपको रीड करना पड़ेगा मेरे से जितना समझाना हुआ मैंने समझा दिया तो आप एग्जाम में क्या लर्न करोगे ओके okay, डेफिनेशन दोनों की डेफिनेशन सिटी भी मतलब पर्सन हु ऑकेजनली ऑकेजनली अंडरटेक ट्रांजैक्शन ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ प्रिंसिपल और एजेंट और एनी अदर कैपेसिटी इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब वो गुड्स का सप्लाई सर्विस का सप्लाई कर रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और वो ऐसे स्टेट में जाके कर रहा है जहां उसकी कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है एनआरटीपी पी एनी पर्सन वो ऑकेजनली लर्न करना पड़ेगा हाँ लर्न करना पड़ेगा डेफिनेशन इन्वॉल्विंग सप्लाई गुड्स और सर्विस एज अ प्रिंसिपल रेजर बट हुज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बाहर का बंदा इंडिया में आया और उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है जहां तक हम बात करें रजिस्ट्रेशन की तो दोनों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है ओके okay, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है फाइव डेज बिफोर लिख दो यहाँ पे फाइव डेज बिफोर और यहाँ पे भी फाइव डेज बिफोर लिख दो ओके फाइव डेज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है रजिस्ट्रेशन आर जी जीरो वन में है तो ये आर जी जीरो नाइन में फॉर्म याद रहे तो ठीक यहाँ पैन रिक्वायर्ड है तो यहाँ पासपोर्ट रिक्वायर्ड है थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं इनको थ्रेशोल्ड नहीं मिलता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है इनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है अगर आपको याद होगा तो रिटर्न ये जी आर और थ्री में देगा तो ये फाइव में देगा आई तो सीटीपी को पूरा आईटीसी अवेलेबल है लेकिन एनआरटीपी को सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स का आईटीसी अवेलेबल है सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स का आईटीसी अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन फाइल फाइव डेज बिफोर करना पड़ेगा ओके एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन मैक्स 90 प्लस 90 डेज के लिए वैलिड रहेगा लेकिन उसने अगर कम टाइम के लिए डिमांड किया होगा तो कम टाइम रहेगा और एनुअल रिटर्न दोनों को भी देने की जरूरत नहीं है एक होता है मंथली क्वार्टरली रिटर्न और एक होता है एनुअल रिटर्न जो थर्टी दिसंबर को दिया जाता है तो सीटीपी और एनआरटीपी को एनुअल रिटर्न देने की जरूरत नहीं है अगर आप एक एक बात अच्छे से पढ़ते हो और मैंने आप, आपने देखा होगा मैंने ओके लगभग नाइन्टी सारी प्रोविजन कवर कर लिए मेरे चार्ट में चार्ट पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ लो हो गया बॉस ओके तो इस तरह से हमने डिस्कशन देखा सीटीपी और एनआरटीपी का ठीक है चलिए ये तो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये आपके लिए होमवर्क ये पढ़ लेना ये प्रोसीजर क्या होती है कैसे डॉक्यूमेंट फाइल होता है ओके उस पर सवाल नहीं पूछेंगे ये थोड़ा उसी इसी प्रोसीजर को थोड़ा चार्ट फॉर्म में लिया है इसी प्रोसीजर को चार्ट फॉर्म में लिया है ये थोड़ा आपको समझा देता हूं इसी प्रोसीजर को चार्ट फॉर्म में लिया है ऑथेंटिकेशन देखो अब ध्यान से सुनना ये प्रायोरिटी बी में रखना लर्न मत करना सिर्फ रीड करके चले जाना ठीक है रजिस्ट्रेशन विथ अदर ऑथेंटिकेशन कैसे होता है समझ लो आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई करते हो तो आपके आर जीरो वन फॉर्म जाता है ओके आर जीरो वन फॉर्म जाता है उसमें दो पार्ट होते हैं पार्ट ए पार्ट ए में तीन चीजें आपसे मांगी जाती है आपका पैन नंबर मोबाइल नंबर ई मेल ठीक है पार्ट ए में मांगी जाती है वो आपका वेरीफाई होता है पैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वेरीफाई होता है आपका जीएसटीएन पोर्टल करता है मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है और ईमेल आईडी पे ओटीपी आता है ये वेरीफाई होता है वेरिफिकेशन होने के बाद यानी पैन भी हो गया मोबाइल नंबर होने के बाद ओके फिर आपका अप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है मतलब वेरीफिकेशन हो गया फिर आपने पार्ट बी की इंफॉर्मेशन इसमें फिर पार्ट बी की इंफॉर्मेशन जो है वो यानी आपका एड्रेस किसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो स प्रिंसिपल पेस ऑफ बिजनेस कौन कौन सा सप्लाई करते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करना पड़ता है पार्ट बी की जो है इन्फॉर्मेशन है तो वो पार्ट बी की इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट होती है वो कम्प्लीट होने के बाद आपका अप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है कि चलो आपका अप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दे दिए ओके आपका अप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया अब या रिजेक्ट हो गया अब समझ लो

अगर वो यस yes है तो आरसी मिलेगी नो no, अगर नो no है तो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा ठीक है तो अब इसको ही बेस लेके उससे कनेक्टेड ये डायग्राम है अब इसमें थोड़ा फ्लेवर में आधार ऑथेंटिकेशन का डाल रहा हूं जैसे आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया पार्ट ए और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दी आपने पार्ट ए और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दी साथ, साथ में आप आपको एक ऑप्शन होता है क्या आप आधार ऑथेंटिकेशन करवाओगे ए ए मतलब लिख दो आधार ऑथेंटिकेशन या नहीं करवाओगे आपने कहा मैं करवा लूंगा आप, आपने ऑप्ट आप कर लिया और आपने ऑप्ट आप नहीं किया ओके okay, ऑप्ट कर लिया और नहीं किया समझ लो आपने ऑप्ट आप कर लिया तो आपको 15 दिन के अंदर जो आपके मेल पे आधार ऑथेंटिकेशन की लिंक आई है उसको क्लिक करके ओटीपी फिलअप करना पड़ता है अगर वो आपने पंद्रह दिन के अंदर करवा ली तो अच्छी बात है तो फिर आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन जिस दिन आपने ऑथेंटिकेशन करवाया यानी आधार लिंक पे क्लिक करके ओ सबमिट किया तो वो आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा उस दिन माना जाएगा कि आपने एप्लीकेशन दिया है जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट की है अब अब क्या होता है भाई आपका आ, ये ये डायग्राम के साथ लो तो, आपका एप्लीकेशन आ गया आधार ऑथेंटिकेशन हो गया अगर इंफॉर्मेशन सेटिस्फैक्ट्री है और नहीं है अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो वही वही वो मैं टेबल में ले रहा हूं अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं है आपके एप्लीकेशन में और डेफिशिएंसी है अगर कोई डेफिशिएंसी आपके एप्लीकेशन में नहीं है तो आपको सात सेवन वर्किंग डेज में आरसी दे दी जाएगी जो आपका एप्लीकेशन का डेट होगा वहां से सात दिन के अंदर आर दे दी जाएगी गवर्नमेंट कहती है अगर सात दिन के अंदर आर नहीं दी गई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया तो डीम टू बी ग्रांटेड मान लो कि मिल गई आपको आरसी थोड़ा दिक, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में मुश्किल है पर ऐसा समझो कि आपको आरसी मिल गई बस सात दिन से ज्यादा हम आपको लेट नहीं करेंगे अगर डेफिशिएंसी नहीं मतलब ये फ्लो में देखा जाए तो आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है यस तो सात दिन के अंदर आरसी आ जाएगी लेकिन डेफिशियंसी है ध्यान से सुनो लेकिन डेफिशियंसी है अगर डेफिशियंसी है तो वो सिचुएशन में आपके एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी पता चली तो फिर आपको आएगी सेवन वर्किंग डेज में नोटिस देखो ये डायग्राम के साथ कनेक्ट करोगे डेफिशिएंसी है तो आपको आरजी जीरो थ्री में आएगी नोटिस सेवन वर्किंग डेज में और आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा तो जब आपको सात दिन के अंदर नोटिस आई और कि उसके फर्दर सेवन डेज में आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा आरजी फोर में फॉर्म लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा तो देखो सेवन वर्किंग डेज में मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई ये जो भी डेफिशिएंसी मैंने पूरी कर दी अब क्या हुआ वो आपने क्लैरिफाई करने के बाद वापस जो है वो देखेगा कि वो सैटिस्फेक्ट्री है क्या अगर वो सैटिस्फेक्ट्री है तो आपको आरसी दे देगा और वो सेटिसफैक्ट्री नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा तो सेम आपने वो डेफिशिय पूरी कर दी उसके बाद में प्रॉपर ऑफिसर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर क्लैरिफिकेशन रिजेक्शन हो जाएगा सेटिस्फाइड यूर क्लास क्लैरिफिकेशन तो फर्दर सेवन वर्किंग डेज में आपको आरसी दे दी जाएगी

और मैं फेल हो गया नहीं कर पाया उसको लिंक को भूल गया होता है ऐसा अगर ऑफ करने के बाद भी आप फेल हो गए ऑफ करने के बाद भी फेल हो गए तो आपको पंद्रह दिन दिए होते हैं पर नहीं किया आपने तो जो डे होता है कियाकेशन से वो फिफ्टीन डे आपका डेट ऑफ अप्लीकेशन माना जाता है क्योंकि पंद्रह दिन के अंदर आपने नहीं किया तो फिर फिफ्टीन डे को आपका डेट ऑफ अप्लीकेशन माना जाएगा और नहीं किया आपका आधार ओथेंटिकेशन तो हम फोर्स भी नहीं कर रहे आपको अब 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 देखो आपके रजिस्ट्रेशन में डिले हो जाएगा अब आपका जो एप्लीकेशन है उसमें डेफिशिएंसी नहीं होगी और डेफिशिएंसी होगी अगर आपके एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी नहीं होगी तो कुछ नहीं यहां फिजिकल एग्जामिनेशन होगा क्योंकि आपने आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गए फिजिकल एग्जामिनेशन होगा साथ साथ में आपके इलेक्शन आईडी पासपोर्ट वगैरह चेक किया जाएगा और आपको आरसी 30 डेज में ग्रांट होगी भाई आधार ऑथेंटिकेशन करवा लेते तो सात दिन में मिल जाती लेकिन ये केस में तीस दिन में तो गवर्नमेंट फिजिकल एग्जामिनेशन करेगी और तीस दिन के अंदर और जिस दिन आपका एप्लीकेशन सबमिशन हुआ मतलब कब बोला जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड जिस दिन मतलब फिफ्टीन डे फिफ्टीन डे फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हाँ यानी जिस दिन एप्लीकेशन दिया वहां से पंद्रह दिन तक आपने आदर ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो फिफ्टींथ डे दे को डेट ऑफ एप्लीकेशन माना जाएगा और वहां से थर्टी डेज वहां से थर्टी डेज में आपको आरसी आएगी अगर थर्टी डेज में आरसी नहीं आई तो ये समझ लेना कि आपको आरसी मिल गई ये तो क्या जब डेफिशिय नहीं हो अगर सर डेफिशियंसी है अरे बाप रे डेफिशिय है तो फिर तो आर भूल ही जाओ आपको नोटिस आएगी तीस दिन के अंदर सात दिन के अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा नोटिस आने के बाद फिर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा सेटिस्फैक्ट्री होगा तो आपने क्लैरिफाई जब किया वहां से आगे सात दिन के अंदर आपको आर आएगी ओके तो ये थोड़ा फ्लो देख लेना ओके okay, कैसे प्रोसेस का है ये तो हुआ कि आपने ऑप्ट किया था और आधार करवा लिया और आधार नहीं करवा लिया समझ लो आपने ऑप्ट ही नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन ध्यान से सुनो आपने आधर ऑथेंटिकेशन ऑप्ट इन नहीं करवाना है नहीं करवाना है तो आपका जो डेट ऑफ एप्लीकेशन होगा जिस दिन आपने अप्लीकेशन दिया उसमें तो फिर फिजिकल एग्जामिनेशन होके रहेगा अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और 30 दिन के अंदर आरसी दे दी जाएगी डेफिशिएंसी होगी तो नोटिस आएगी नोटिस के बाद क्लैरिफिकेशन जाएगा और बाद में आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो बेटा ये फ्लो रीड कर लेना नो डाउट मैंने क्लास में Okay, बहुत अच्छे से पढ़ाया था एक घंटा लेकर पढ़ाया था मैंने आपको तो ये फ्लो आपने रीड कर लेना पर जितना समझा ठीक है नहीं तो कीप इट इन प्रायोरिटी बी कीप इन प्रायोरिटी बी डन चलिए अरे यार सॉरी अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला छोड़ना मत UIN, UN मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना हो तो लिख लो यू आई एन मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कुछ केसेस में रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं कुछ केसेस में जीएसटी में यू आई एन मिलते हैं एग्जाम में आता है कौन कौन सी केस में यूएन मिलते हैं अ अस्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी लर्न करना पड़ेगा बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा मल्टी लेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एज नोटिफाइडेड नेशन कॉन्सुलेट और एम्बेसी फॉरन कंट्रीज एंड एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाई द कमिश्नर अगर यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन है या यूनाइटेड नेशन सॉरी यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज है या मल्टी लेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन है या फॉरन एम्बेसी है या कोई भी पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट होगा ये चार केस में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है ये चार केसेस में यूएन मिलता है अब नोटिफाइड पर्सन में उन्होंने एक नोटिफाइड पर्सन है डिफेंस कैंटीन हा गवर्नमेंट ने एक नोटिफाई किया है डिफेंस की कैंटीन नोटिफाइड पर्सन है जहां फिफ्टी परसेंट रिफंड मिलता है भाई सर इन लोगों को यूएन क्यों लेना पड़ता है क्योंकि ये इंडिया में जो भी परचेसेस करते हैं उसका रिफंड मिलता है इनको आउटपुट टैक्स नहीं लगता है लेकिन ये जो एजेंसीज है फॉरेन एम्बेसीज है या कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट है डिफेंस के जो नोटिफाइड है ये इंडिया में जो भी परचेस करते हैं उसका क्या मिलता है रिफंड और रिफंड क्लेम करने के लिए इनके पास एक कोई नंबर होना जरूरी है और वो नंबर होता है यू का ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू यू आई एन अपलीकेशन शाल बी सबमिटेड बाय अ पर्सन रिक्वायरिंग यू आई एन उनको अपलीकेशन देना पड़ेगा इनको तीन दिन में ही यू दे दिया जाएगा ओके रजिस्ट्रेशन हैज बिन ग्रांटेड विद इन थ्री डेज और इट इज अप्लीकेबल टू ऑल टेरिटरी ऑफ इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब क्या जैसे रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो स्टेट वाइज होते हैं यूएन स्टेट वाइज नहीं होता है जैसे यूएस एम्बेसी है यूएस एम्बेसी सारी चेन्नई में है महाराष्ट्र में और जितने भी स्टेट में यूएस एम्बेसी होगी उनका एक ही यू होगा स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट था इतना पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना इंस्टीट्यूट इसके ऊपर सवाल आपको पूछ सकती है चलिए चलो आ जाओ सेक्शन 26, सिक्स डीम रजिस्ट्रेशन आपने आपको रजिस्ट्रेशन स्टेट में मिलता है और एसजीएसटी एक्ट में जो आपको रजिस्ट्रेशन मिला

सीधा सीधा पोर्टल पे जाओ ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज कर दो वो इमीजिएट चेंज हो जाएगा लेकिन अगर अमेंडमेंट कोर फील्ड में होगी लीगल नेम एड्रेस प्लेस ऑफ बिजनेस एड्रेस ऑफ बिजनेस डायरेक्टर्स बदल गए मैनेजिंग पार्टनर बदल गए सप्लायर बदल गए यानी ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़ के बाकी किसी में भी चेंजेस हुए होंगे तो वो चेंजेस का आपको जो है अप्रूवल लेना पड़ता है नॉन कोर बट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर फील्ड मतलब आप अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर दोगे तो इमीजिएट नहीं होगा एंड से ऑफिसर उसका अप्रूव करेगा और अप्रूव करने के बाद ही वो अमेंडमेंट होगी ये सेक्शन प्रायोरिटी बी में रखो ठीक है अब आ जा आ जाओ सेक्शन ट्वेंटी नाइन पे कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन देखिएगा कैंसलेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए ये सेक्शन पढ़ के चले जाना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में दो तरीके से कैंसल हो सकते हैं एक सुमोटो कैंसलेशन मतलब आप सुमोटो मतलब आप सप्लायर कैंसिल कर रहा है okay. सुमोटो का मतलब लिख देना रजिस्टर पर्सन कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन और एक कैंसलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर एक ऑफिसर कैंसिल करता है सू मोटो मतलब खुद होके बाय आरपी बाय आरपी ओके कब होगा बिजनेस लर्न लर्न ये सेक्शन करके चले जाना चाहे कुछ भी हो जाए बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया ट्रांसफर फुल्ली टू तो अनादर पर्सन अमल गमेशन हो गया डी मर्जर हो गया या आपने डिस्पोज कर दिया अगर आपका बिजनेस ही नहीं है या किसी और को दे दिया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो फायदा है क्योंकि जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन है तब तक फॉर्मेलिटी आ जाती है रिटर्न वगैरह की और आपका बिजनेस ही नहीं तो फिर पेनल्टी भी आती है इसलिए कैंसिल करो या फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन इन द बिजनेस मतलब क्या मतलब पार्टनरशिप फॉर्म की कंपनी हो गई या प्रोपराइटर की पार्टनरशिप फॉर्म हो गई बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया तो पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो और नया के लिए अप्लाई करो या टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लाइबल टू रजिस्टर अंडर ट्वेंटी टू और ट्वेंटी फोर और इंटेंडेड टू आउटपुट इंटेडेड टू और रजिस्ट्रेशन voluntary मतलब क्या मतलब सेक्शन 22 में आपका टर्न और बीस लाख से नीचे आ गया तो आप कैंसलेशन कर सकते हो या 24 में अब कोई कंपलसरी की कंडीशन नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हो या आपने वॉल्ट्री रजिस्ट्रेशन लिया होगा और अब वो कैंसिल करना है तो आप कर सकते हो तो ये लर्न कर लेना बेटा कि कहा सुमोटो तो आप कैंसिल कर सकते हो डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कहा कैंसिल कर सकता है तो डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा इफ डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पीओबी मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया वहां से आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तब डिपार्टमेंट यहाँ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा इश्यू ऑफ इनवाइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपने फेक इनवाइस दिए विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज तब डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है वॉलेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171 सेवेंटी एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर की प्रोविजन आपने वॉलेट कर दी तो डिपार्टमेंट कैंसिल कर देगा नेक्स्ट वॉलेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन टेन है मतलब फेलियर टू फर्निश बैंक डिटेल जैसे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के वक्त बैंक डिटेल नहीं दिया तो भी आप बाद में फोर्टी फाइव डेज या फर्स्ट रिटर्न विचोर इज अर्लियर उसके पहले आप बैंक डिटेल दे सकते हो और अगर आपने बैंक डिटेल्स नहीं दिया तो डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा वायलेशन ऑफ सेक्शन सिक्सटीन और रूलर मतलब यहाँ पे गुड्स और सर्विस की कंडीशन है that, आपने लिया तो डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवट सप्लाई इन जीएसटी आर वन ओके एंड आउटवर्ट सप्लाई डिक्लेर रिटर्न मतलब क्या आपके जीएसटी आर वन में आउटवेट सप्लाई ज्यादा बता दिया रिटर्न में कम बताया अगर आपने इस तरह की चिटिंग की तो डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा वायलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 86 बी यानी अगर आपको रूल 86 बी लगता है और आपने 99 परसेंट से ज्यादा आईटीसी यूज कर लिया तो डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा

आप लिख देना क्यू आर एम पी स्कीम अगर आप क्यू आर एम पी स्कीम में हो और आपने रिटर्न नहीं दिया फॉर टू टैक्स पीरियड जैसे क्यू आर एम पी स्कीम क्या होती है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट और आपने दो क्वार्टर के रिटर्न नहीं दिए मतलब आप मंथली स्कीम में हो तो आपने छह महीने का रिटर्न नहीं दिया कंटिन्यूस और आप क्वार्टरली स्कीम में हो तो दो क्वार्टर के रिटर्न नहीं दिए तो आपका रिटर्न कैंसिल कर दिया जाएगा उसके बाद में

आपने खुद होकर रजिस्ट्रेशन करवाया और छह महीने में बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो रिटर्न कैंसिल कर दिया आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और फ्रॉड अगर आपने डॉक्यूमेंट दिए गए तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तोंटेंट है और ये अच्छे से करके जाना सारी सिचुएशन अच्छे से करके जाना आपको इसके ऊपर थियोरटिकल क्वेश्चन आ सकता है ठीक है चलिए रिवोकेशन मतलब अगर डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया होगा तो आप जा सकते हो और क्षमा याचना कर सकते हो कि मुझे क्षमा कीजिए मैं अब ऐसा मैं अब कंटिन्यूस रिटर्न फाइल करूँगा ओके जो हुआ क्षमा करो बैंक डिटेल्स नहीं दिया ठीक है दे दूंगा अब इन्वाइस में नहीं इशू करूँगा ओके व्हाट इट में भी ऑफिसर ने अगर आपका कैंसलेशन किया होगा तो आप रिवोकेशन मतलब फिर से बहाल करने के लिए अप्लाई कर सकते हो अंडर सेक्शन थर्टी प्रोसीजर फॉर कैंसलेशन दिया है अगर कैंसिल हो जाता है तो आपको स्टॉक डिटेल्स देनी पड़ती है और आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस आती है ये प्रायोरिटी बी में रखना ओके okay, पढ़ लेना प्रोसीजर पढ़ लेना कैंसलेशन की क्या है पर यह प्रायोरिटी ए में रखना तो इस तरह से हमारा जो है रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट रिविजन यहाँ पे होता है ठीक है दोस्तों